हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरी बुटीक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि बच्चे के कपड़े से हम डिजाइनर कुर्ती कैसे बना सकते हैं। ये हमारे पास 1 मीटर के आसपास कपड़ा बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है, 1 से 1.5 मीटर का ही टुकड़ा बचा हुआ है। वैसे कपड़ा बिल्कुल प्लेन है, लेकिन हमें ये दिखाना है कि इस कपड़े से हम डिजाइनर कुर्ती कैसे बना सकते हैं। ये हमारे इसके लिए हमने लाइनिंग ले ली है, तो उसके जो मेजरमेंट चाहिए होता है हमारा, वो मेजरमेंट ये है। तो जो हमारी कुर्ती की लेंथ है वो 35 है, चेस्ट 30 है, वेस्ट 28 है, हिप 30 है, तीरा 14 है एंड आर्मोल भी 14 है। तो पहले कुर्ती का जो मेजरमेंट है वो हम हमारे इनर पे, यानी जो हमारी लाइनिंग है कपड़े के लिए, उस पर कटिंग करेंगे। इसको हम हमारे जो कपड़ा है बचा हुआ हमारे पास है उस पे कटिंग करेंगे। तो हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है, ये देखिए 1, 2 एंड 3, 4। अब इस पे हमारा मेजरमेंट लगाएंगे। लेंथ हमारी 35 है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 35। हमने पूरा पूरा 35 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो इनर होता है वो हल्का सा छोटा होता है, शॉर्ट होता है जो इनर होता है, तो ये अंदर 1 इंच अंदर फोल्ड हो जाएगा। और जो कुर्ती पे जब कट करें, जो हमारा फैब्रिक है उस पे जब कट करेंगे तो वो हम एक्स्ट्रा लंबा लेंगे थोड़ा। तो जितनी लेंथ है उतना ही हम लेते हैं इनर पे। लेंथ हमारी 35 है तो हमने 35 ही लिया है। अब आता हमारा तीरा। तीरा हमारा है 7 इंच, आर्मोल हमारा 14 है, 14 का हाफ आएगा 7, चेस्ट हमारी है 30 यानी 7.5, 7.5 यानी 30 को जो हम हाफ कर रहे हैं, हाफ का ही 1/4 करेंगे, 30 का जब हम 1/4 करेंगे तो 7.5 आ रहा है, इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर देंगे। यानी जो चेस्ट वेस्ट और हमारे जो हिप है उनको हमें उसका हाफ करना, 1/4 निकालना होता है। ऊपर से हमारी वेस्ट होगी 14 पे, वेस्ट हमारी है 28 यानी 7 इंच आएगी, इसमें भी हम 2 इंच प्लस कर देंगे। 1/4 करने के बाद हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। ऊपर से हमारी हिप आती है 21 पे, हिप हमारी है 30, 30 का 1/4 करेंगे 7.5 आएगा एंड 2 इंच इसमें भी हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। ये 2 इंच इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें सिलाई में थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। आर्मोल की शेप हम 1.5 इंच पे देंगे। जो नीचे घेरा है वो भी हम वही इतना ही लेंगे जितना हमने हिप लिया है। पहले हिप लिया हमने टोटल 9.5, तो हम घेरा भी हमारा 9.5 लेंगे। अब इसको हम ऐसे सीधे मैच कर देंगे। अब हम इसको हमारा कट कर लेंगे। ये देखिए हम यहाँ पे हल्का सा कट लगा लेंगे जहाँ पे हमारा, क्योंकि इससे फिर हमें हमारा पता रहेगा कि हमारे फिटिंग के निशान हमें कहाँ तक आने हैं। तो जहाँ हमारी हिप होती है वहाँ पे हम हल्का सा कट लगाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे हल्का सा कट का मार्क बना लिया है। अब हमारा जो हमारा फैब्रिक है उस पर हम कट करेंगे इसको। ये हमारा फैब्रिक है जो बचा हुआ था, ये 1 मीटर का टुकड़ा है। अगर आपके पास वैसे फैब्रिक्स बचे होते हैं, ये जॉर्जेट में है, जॉर्जेट में शिफॉन या कोई कपड़े, तो आप उसकी भी ऐसी, आप भी ऐसी कुर्ती बना सकते हो डिजाइन करके। इससे हमारा जो बचा हुआ कपड़ा होता है वो भी काम आ जाता है और इससे हमारी डिजाइनर कुर्ती भी बन जाती है। तो इसके लिए मैं निशान नहीं लगाऊंगी फिर से। तो जो हमारे जो इनर को हम रखेंगे और फिर इसी को रखकर ही हम पूरे निशान को कट कर देंगे। आप चाहो तो पहले निशान लगा लो एंड फिर कट करो, एंड चाहे तो वैसे डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। तो देखिए मैं ऐसे डायरेक्ट ही कट कर रही हूँ उसको।
लेकिन यहाँ पे मैं नीचे एक्स्ट्रा लेना होगा जैसे मैंने बताया था, क्योंकि मैंने लाइनिंग को पूरा उतना ही लिया जितना मुझे चाहिए एंड जितनी हमें रेडी कुर्ती चाहिए, 35 लिया, लेकिन इसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। 3 इंच इसलिए एक्स्ट्रा लेते हैं हम क्योंकि हमें कुर्ते में नीचे फोल्डिंग वगैरह में कपड़ा चाहिए होता है, तो इसलिए हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इसको हम जो हमारा इनर है ऊपर से जॉइंट है तो हम इसको ऊपर से भी अलग कर देंगे। इसके स्लीव्स के हम कटिंग करेंगे तो देखिए हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसी में हमारे स्लीव्स भी निकल जाएंगी। तो जो स्लीव्स की हमारी जो लेंथ है वो 6 इंच है और इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे यानी 8 इंच, तो मालेंगे क्योंकि हम 2 इंच मार्जिन लेके चल रहे हैं। हमारा जो आर्मल था वो 14 था यानी 14 का हाफ आता है 7 इंच, तो देखिए हम 7 पर लगाएंगे और फिर इसमें भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। और जो हमारी मोहरी है वह 12 है यानी 6 इंच, 12 का हाफ, इसमें भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। तो देखिए जो ऊपर से हम जो गोलाई करते हैं वो हमारी 2.5 पे होगी इसकी, क्योंकि जो ऊपर से जो गोलाई होती है वो चेस्ट को 12 से डिवाइड करने पर होती है, तो हम 28 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2.8 समथिंग आएगा, तो इसलिए इसको हम 2.5 पे कर रहे हैं। आपको हो सकता है 3 पे आता हो या 3.5 में, तो जितने भी आएगा हम गोलाई उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए हमारे स्लीव्स भी कट हो गई है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा फोल्डिंग में जाएगा अंदर। अब हम आपको दिखाएंगे कि हम इस पर रिबन कैसे लगाएंगे। तो ये जो हमने कपड़ा हमारा कटिंग किया है इसमें पहले हम इनर के साथ इसको हम अटैच कर लेंगे और उसके बाद से हम जो हमारा कपड़ा होगा कुर्ती का उसके ऊपर हम ये रिबन ले लिया मैंने ब्लैक कलर का, इसको तो काफ़ी लोग इसको लेस भी बोल देते हैं और काफ़ी लोग इसको रिबन भी बोलते हैं। ये 1 इंची चौड़ा है तो ये मैं यहाँ से लगाना स्टार्ट करूंगी, ऊपर से 1 इंच का मार्जिन छोड़कर मैं इसको ऐसे लगाना स्टार्ट करूंगी और फिर भी पूरे में 1-1 इंच का मार्जिन छोड़कर मैं इसको ऐसे ही लगाते जाऊंगी। ये मैं कुर्ती के फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में लगाऊंगी, अगर आप चाहो तो फ्रंट पार्ट अकेले में भी लगा सकते हैं और बैक पार्ट में भी लगा सकते हैं, ये हमारे ऊपर चॉइस होगा। ऐसे अगर इसको सिर्फ मैं फ्रंट पार्ट पर लगाऊंगी तो भी बेस्ट रहेगा और अगर मैं दोनों पार्ट लगाती हूँ तो भी अच्छा रहेगा, वो मैं आपको दिखा दूँ कि मैं इसको दोनों साइड लगाती हूँ एक साइड लगाती हूँ। तो इसको हम देखिए, इसको अगर हम ऐसे पूरे में लगा लेंगे तो ये हमारे एक तरह से एक न्यू डिजाइन बन जाएगी। पहले इनर लगाऊंगी एंड फिर ये रिबन लगाऊंगी ऐसे, उसके बाद मैं इसको नेक और पूरी कुर्ती बनाऊंगी, तो ये हम आपको स्टिचिंग में दिखाएंगे। अब देखिए हमने ये रिबन को मैंने पूरे में लगा लिया है, देखिए ऐसे रिबन के हम दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। देखिए हमारे कपड़े में कोई झूल भी नहीं आया है इससे, तो आप भी ऐसे ही रिबन लगा लेंगे। ये मैंने बीच में हाफ हाफ इंच का गैप छोड़ा है सभी रिबन में, आप चाहो तो 1-1 इंच का छोड़ सकते हो। तो देखिए हमारा ये फ्रंट पार्ट रेडी है और जो बैक पार्ट है मैं उसमें रिबन नहीं लगाए हैं, उसको हम प्लेन रख रही हूँ। अगर लगाने तो आप अपने जो हमारे सूट का कुर्ती का बैक पार्ट उसमें लगा सकते हैं, ये देखिए बैक पार्ट हमारा प्लेन है। अब इसके ऊपर हम हमारी जो लाइनिंग है उसको हम अटैच कर देंगे क्योंकि मैंने लाइनिंग अब तक अटैच नहीं की है, अब इसके साथ हमारे लाइनिंग अटैच कर देंगे। ये देखिए हम इसको लाइनिंग को ऐसे रखेंगे इसके ऊपर और चारों साइड से हम हाथ से कच्चा कर देंगे और नीचे से हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, तो ये देखिए ऐसे कर देंगे हम इसको। ये देखिए हमने हमारे दोनों पार्ट्स का स्तर लगा लिया है, इसकी भी लगा लिया है और ऐसे हमने जो हमारा फ्रंट पार्ट था उसकी हमने लाइनिंग लगा ली है। तो अब हम इसमें हमारा बोट नेक बना रहे हैं, आप जो भी नेक बना रहे हैं आप उसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए बोट नेक जो होता है वो दोनों ही नेक एक साथ कटिंग होते हैं क्योंकि फ्रंट एंड बैक दोनों साइड सेम होता है बोट नेक, इसीलिए मैं दोनों की नेक की कटिंग एक साथ करूंगी। 4 इंच में चौड़ाई लूंगी मैं हमारे बोट नेक की और 3.5 इंच लेंथ लूंगी, तो इसको हम बोट की शेप दे देंगे ऐसे।
और देखिए हम आपको नेक बना के दिखाते हैं। ये देखिए हम एक साइड के शोल्डर को हमारा पहले जॉइंट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम हमारी तिरछी पट्टी लगाएंगे। तो तिरछी पट्टी हमने पहले से ही कट की हुई है, हम यहाँ पे एक साइड के शोल्डर से लगाना स्टार्ट करेंगे। और ऐसे ही हम इसको चारों साइड से लगा लेंगे तिरछी पट्टी को, और फिर हम इस तिरछी पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे जैसे हम हमारे नेक बनाने के लिए करते हैं। ऐसे ही हम हमारे दूसरे शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। देखिए हमने तिरछी पट्टी अंदर की साइड फोल्ड कर ली है, ये देखिए। अब इसके हमारे फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो देखिए हमारी टोटल लेंथ थी वो 35 थी, तो हमने नीचे से एक इंच वाला शोल्डर में चला जाएगा। चेस्ट है हमारी 30, तो हम यहाँ पे तो हमारे चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है हमारी 30, यानी हम 50 लगाएंगे 30 का हाफ। ऊपर से हमारी चेस्ट आती है और वेस्ट आती है 14 पे। वेस्ट हमारी है 28, 28 का हाफ आएगा 14। ऊपर से हमारी हिप आएगी 21 पे, हिप हमारी है 30, यानी 30 का हाफ आएगा 15। और जो हमारी टोटल लेंथ है रेडी, जो हमारी लेंथ है वो 35 है, तो हमारी 35 आएगा। नीचे से सिर्फ 1 इंच ही फोल्ड होगा। हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था 3 इंच, लेकिन जो हमने रिबन्स लगाए तो उसकी वजह से कपड़ा कम हो गया, अपने आप हल्का रिबन्स की वजह से कम हो जाता है, तो ये नीचे हमारा फोल्डिंग के लिए 1 इंच बचा है। तो हम इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस पर हम सिलाई चला देंगे और फिर नीचे से हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। फिटिंग के निशान लगाने, फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले हम हमारे स्लीव्स को अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हम ऐसे स्लीव्स का हम सीधा साइड और कुर्ती का सीधा साइड रखेंगे, और ऐसे हम चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ऐसे इसको हम ऐसे सामने से भी फोल्ड कर देंगे। अब इसे हम जो हमारी फिटिंग की सिलाई है उस पर जो हमने फिटिंग के निशान लगाए थे उससे सिलाई चला देंगे। तो हम ऊपर स्लीव से सिलाई चलाना स्टार्ट कर देंगे, और जो हमने वहाँ निशान लगाए थे हम उसी के ऊपर से हमारी सिलाई को लेकर आएंगे। सिलाई लेके आएंगे, फिर यहीं से हम वापस सिलाई कर लेंगे। इससे हमारी सिलाई डबल हो जाती है, तो फिर जल्दी से टूटने का डर नहीं रहता है। ऐसे हमारी दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए हमारी कुर्ती बनके रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।